स्कोलियोसिस को अगर जल्दी पकड़ना है तो ये उसके तीन तरीके हैं। पहला, अगर कोई भी बच्चा या बड़ा आपके नेबरहुड में है या फैमिली में है जिसके कि कंधों का लेवल सेम नहीं है, मतलब एक कंधा ऊपर है एक नीचे है, तो वो स्कोलियोसिस का अर्ली साइन होता है। दूसरा, जब भी पेशेंट आगे झुक रहा हो तो अगर झुकने से इस तरह से उसका कूबड़ निकल रहा है एक तरफ और या स्पाइन की डिफॉर्मिटी दिख रही है, तो ये एक दूसरा साइन है कि उसको बच्चे को स्कोलियोसिस हो सकता है। और तीसरा साइन कि अगर कोई बच्चा चल रहा है जिसका एक पाँव छोटा एक पाँव बड़ा है, या जब वो पैंट पहनता है तो पैंट टेढ़ी होती है एक तरफ से ऊपर एक तरफ से नीचे, तो वो भी एक साइन हो सकता है कि उसका पेल्विस सीधा नहीं है, जिसका एक कारण स्कोलियोसिस हो सकता है। तो ये तीन तरीके हैं जिनसे कि आप स्कोलियोसिस को जल्दी पकड़ सकते हैं, और अगर हम जल्दी पकड़ लेते हैं स्कोलियोसिस को तो उसका जल्दी इलाज भी हो सकता है। थैंक यू।